जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास वर्ड पावर कम है और आपको एक वर्ड से चार नए वर्ड बनाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है और वर्ब क्या होता है, और कैसे हम एक वर्ड की हेल्प से तीन से चार नए वर्ड बनाते हैं। इस वीडियो को आपको बहुत ही केयरफुली देखना है। मैं सबसे पहले तो आपको नाउन और एडजेक्टिव, नाउन टू एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव टू नाउन कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। इसकी एक ट्रिक है फ्रेंड्स, ये नाउन एंड ये एडजेक्टिव। आपको याद रखना है कि नाउन के लास्ट में टी आई यू एन, एस आई यू एन, एन ई डबल एस, इसके बाद में ई एन सी, ए एन सी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, और एडजेक्टिव के लास्ट में आपको मिलेगा ई डी, टी आई वी, ए बी एल ई, एल ई डबल एस, ए एन टी, ई एन टी, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसके लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, एडजेक्टिव के। जैसे एक वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूँ, मान लो इम्पॉर्टेंट, राइट, ये वर्ड मैंने लिखा और मैंने आपसे कहा चेंज इन टू नाउन फॉर्म, राइट। पहले तो आप इसकी अहमियत समझे कि इसका यूज कहाँ होता है। जब भी आप कोई अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं या फिर किसी स्कूल्स की एग्जाम्स का टेस्ट देते हैं या फिर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनमें अनसीन पैसेजेस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट विल बी द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड की नाउन फॉर्म क्या होगी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट में ए एन टी लगा है, ए एन टी किस में लगता है भैया, ए एन टी लगता है एडजेक्टिव में, मतलब ये वर्ड तो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसकी नाउन फॉर्म आपको बनानी है, मतलब कि ए एन टी विल चेंज इन टू ए एन सी, तो आपका नाउन फॉर्म बनेगी इंपॉर्टेंस। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होगा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंस का मतलब होगा महत्ता, राइट। जैसे मैंने कहा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग, राइट। तो इंपॉर्टेंस मतलब महत्ता एंड इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। ऐसे काफी सारे वर्ड्स होते हैं जिनको लेकर हम काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो आज ये सारा कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है कि नाउन के लास्ट में क्या लगता है, टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, एन ई डबल एस, ई एन सी और ए एन सी, और एडजेक्टिव के लास्ट में क्या लगता है, ई डी, टी आई बी, ए बी एल ई, एल ई डबल एस, ए एन टी, ई एन टी, एफ यू डबल एल, है ना, फुल, इस तरीके के जो वर्ड है वो आपको एडजेक्टिव के लास्ट में लगने को मिलते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया, मैंने ऊपर लिखा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स मतलब कि शब्द किस तरीके से बनते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ रैंडमली वर्ड्स आपको दे दिए हैं, जैसे ब्यूटीफुल, स्पिरिट, एंगर, पैन, स्ट्रेंथ, नेचुरल, गिल्ट, सक्सेस, चेयरफुल, ब्लैक एंड कन्फ्यूज्ड, है ना। ये वर्ड्स आपको रैंडमली दिए, मैंने ये मेंशन नहीं किया कि नाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है, ये तो हमको पहचानना है। तो मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं कि क्या से जो आंसर मिलता है वो आपका नाउन होता है और कैसा से जो आंसर मिलता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। ये दोनों के बीच में अंतर को आप समझ जाओ, इसके बाद आपको वर्ब और एडवर्ब तो अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को नाउन और एडजेक्टिव में ही होता है। तो आप फिर यहां पर अगेन देखेंगे, मैं आपको लेकर आया हूं सबसे पहले ब्यूटीफुल वर्ड पर। अब इस वर्ड ब्यूटीफुल का हिंदी मतलब होता है फ्रेंड सुंदर, है ना। अब मुझे बताइए कि आपकी स्पीच कैसी है, सुंदर है कि क्या है, राइट। तो ऑब्वियसली आपकी स्पीच कैसी है तो बोले सुंदर है, लड़की कैसी है तो बोले सुंदर है, राइट, उसका बिहेवियर कैसा है तो बोले सुंदर है। तो कैसा से जो आंसर मिला वो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, मतलब ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि लास्ट में फुल लिखा है और हमने देखा है यहां पर एफ यू एल, फुल लगता है किसके लास्ट में, एडजेक्टिव के लास्ट में, राइट। तो एडजेक्टिव के लास्ट में फुल लगता है तो ये आपका जो फुल है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव, मतलब ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। अब आपको इस वर्ड एडजेक्टिव से नाउन बनाना है। अब नाउन आप बनाएंगे तो भैया आपको पता होना चाहिए नाउन में क्या होना चाहिए, क्या। तो आप मुझे बताओ, एक बंदी है, एक लड़की है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके। तो आपने कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उसमें क्या है, ब्यूटी है, सुंदरता है, राइट। तो सुंदरता के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा आपका ब्यूटी, दैट इज सुंदरता, और ये आपका होगा फ्रेंड्स ब्यूटी नाउन, राइट। तो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटी और एडजेक्टिव आपका ब्यूटीफुल बना। अब आपको इससे बनानी एडवर्ब, तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, बहुत प्यारी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपको एडजेक्टिव के लास्ट में एलवा लगा देना है। आई रिपीट दिस लाइन अगेन, एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगाएंगे तो आपका एडवर्ब बनेगा, मतलब इस एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल के लास्ट में आपको एलवाई लगा देना है,
तो ये चेंज हो जाएगा आपका ब्यूटीफुली, जिसे आपने कहा शी हैज स्पोकन वेरी ब्यूटीफुली, उसने बहुत अच्छे से बोला है, ही हैज एक्सप्लेन एवरीथिंग ब्यूटीफुली, उसने बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझाया है। इवन आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, सर यू हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक ब्यूटीफुली, सर आपने टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। तो ब्यूटीफुली मतलब सुंदरतापूर्वक, ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटी सुंदरता, तो ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। अब बात करते हैं हम लोग वर्ब की, वर्ब मतलब होती है क्रिया, हमको ये बताना है कि वर्ब काम कैसे हो रहा है। तो याद रखिए इससे एक वर्ब बनती है ब्यूटीफाई, आप में से ज्यादातर लोग इस वर्ड के बारे में नहीं जानते होंगे, ब्यूटीफाई एक वर्ब बनती है जिसका मतलब होता है किसी चीज को सुंदर बनाना या करना। अब इन केस मान लो आपको ब्यूटीफाई नहीं पता है तो एक और ट्रिक है वर्ब बनाने की, वो ट्रिक ये है कि आप क्या करें, बी के बाद में एडजेक्टिव लगा दें या फिर मेक के बाद में एडजेक्टिव लगा दें, ये भी एक ट्रिक होती है किसी पर्टिकुलर वर्ड से वर्ब बनाने की, मतलब बी ब्यूटीफुल या फिर मेक ब्यूटीफुल, राइट, बी ब्यूटीफुल इज इक्वल टू ब्यूटीफाई, मेक ब्यूटीफुल इज इक्वल टू ब्यूटीफाई, मेक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनाना एंड बी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होना, राइट, इस तरीके से आप इसकी वर्ब को बना सकते हैं। होप फ्रेंड्स ये आपको फर्स्ट वाला वर्ड जो वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट, आपको ये डिफरेंस भी याद रखने हैं किसमें क्या डिफरेंस है। चलो मैं आपको आगे ले चलता हूँ, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पिरिट। अब देखिए स्पिरिट का मतलब दो तीन होता है, एक तो जुनून होता है, लाइक एक आत्मा होती है ना, तो स्पिरिट से आप लोग अगर नाउन बनाएंगे तो पहले तो ये बताओ मुझे स्पिरिट क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि क्या है, राइट, तो मैंने कहा उसके काम में क्या है, स्पिरिट है ना, तो एक उसके काम में एक आत्मा है, एक प्रकार से आत्मा नहीं बोल सकते, एक जीवन है, मतलब जिस तरीके से वो काम करता है वो सजीव लगता है, लाइक यू नो, तो स्पिरिट आपका जो है फ्रेंड्स ये हो जाता है आपका नाउन। इससे जब आप वर्ब बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं सॉरी, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको इसमें लगाना होगा ए यू एल, राइट, ये याद रखना है आपको, यू ए एल जो है आपका किसमें लगता है, एडजेक्टिव के साथ में, तो बनेगा स्पिरिचुअल, है ना, स्पिरिचुअल में आप एल वाय लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्पिरिचुअली, और अगर आपको वर्ब बनानी है तो ये फंडा दिया ही है, बी स्पिरिचुअल मेक स्पिरिचुअल, राइट, ये इस तरीके से आपकी वर्ब बन जाएगी। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वर्ड स्पिरिट। इसके बाद नेक्स्ट है एंगर। देखो एंगर का मतलब बताइए सबसे पहले तो क्या होता है, एंगर मतलब होता है गुस्सा, है ना, तो अब मुझे बताओ क्या है उसे, गुस्सा है, कैसा है वो, गुस्सेला है, मतलब एंगर तो आपका क्या हो जाएगा, क्या है मतलब कि नाउन है, तो एंगर तो आपका हो जाएगा नाउन, लेकिन इससे बनने वाला एंग्री, अब वर्ड भी गेम भी खेलते हो, एंग्री बर्ड गेम होता है वीडियो गेम, तो एंग्री वर्ड, तो एंग्री क्या हो गया आपका, गुस्सेला, ये एडजेक्टिव हो गया। अब अगर आपको इससे एडवर्ब बनाना है तो ये वाई को हटाकर आपको आई लगाना है, ए एन जी आर, वाई को हटाकर आई लगाना और फिर एल वाई लगाना, ये बनेगा एंग्रीली, राइट, एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से। और अगर आपको इससे वर्ब बनानी है तो बी एंगर और मेक एंगर, ये फंडा आप याद रखिए, बी एंग्री मेक एंग्री, मतलब बी और मेक के बाद में आपको एडजेक्टिव लगा देना तो वो बन जाएगी। जैसे मैंने कहा तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एंग्री, तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, यू शुड नॉट मेक मी एंग्री, राइट, यू शुड नॉट मेक मी एंग्री, तो इस तरीके से आपका एंग्री जो वो एग्जिस्ट करता है। हो फ्रेंड्स आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैं आपको लेकर चल रहा हूं पैन। पैन मतलब होता है दर्द, सभी जानते हैं, अब आपको ये पहचाना है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है ना, तो आप खुद देखिए क्या है उसे, पेन है, कैसा है, दर्दनाक है, मतलब क्या है तो बोले पेन तो हो गया आपका नाउन, और कैसा है तो बोले पेन पेनफुल है, पेनफुल मतलब होता है दर्दनाक, जो दर्द दे, है ना, और आप समझिए फुल लगा है मतलब पेनफुली, पेनफुली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब एलवा लग जाएगा, और इसकी वर्ब नहीं बनती फ्रेंड्स, अगर आप वर्ब बनाना भी चाहते हो तो ये बनेगा बी पैनफुल मेक पैनफुल, राइट, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना, ओके, नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ का हिंदी मतलब आप बताइए क्या होता है, ताकत, है ना, तो उसके पास कैसा है कि क्या है, तो आप कहेंगे उसके पास क्या है मतलब ताकत है, तो क्या है मतलब स्ट्रेंथ भी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी पैन की तरह नाउन होगी ताकत। अब स्ट्रेंथ आपको पता है किससे बनी है, इसका रूट वर्ड है भैया स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब मजबूत, ताकतवर, स्ट्रांग, है ना, तो स्ट्रांग से बनी है स्ट्रेंथ। अब अगर आपको इससे बनानी है एडवर्ब तो इससे बनेगा स्ट्रांगली,
strongly, I strongly believe that, right? I strongly believe that, मैं strongly believe करता हूँ कि ये सही है, तो strongly आपकी क्या होगी? Adverb होगी. इसी तरीके से आप अगर इससे verb बनाएंगे, तो एक trick आपको बताता हूँ मैं, इस strengthen के last, strength के last में आपको en लगाना है, ये strength और इसमें last में en लगाना, strengthen मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना. वी नीड टू स्ट्रेंथन अवर नेशन, हमें अपने नेशन को मजबूत करने की जरूरत है, राइट? स्ट्रेंथन योर सेल्फ, अपने आप को मजबूत करो. बी स्ट्रांग बोलते ना हम लोग, बी स्ट्रांग इज इक्वल टू स्ट्रेंथन, बोलते ना हम किसी को, बी स्ट्रांग इज इक्वल टू स्ट्रेंथन. मैंने कहा अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रेंथन योर सेल्फ, राइट? अपने नॉलेज को मजबूत करो, स्ट्रेंथन योर नॉलेज. अपनी स्पीच को मजबूत करो, स्ट्रेंथन योर स्पीच. तो इस तरीके से स्ट्रेंथन वर्ड आपका यूज होता है, आप उसको बेसिक बना सकते हैं, बी स्ट्रांग या फिर मेक स्ट्रांग, है ना? ये भी एग्जिस्ट आप कर सकते हैं, ये भी आपके वर्ब के तौर पर यूज होता है. चलिए मैं नेक्स्ट वर्ड पर आपको लेकर चल रहा हूं, दैट इज अ नेचुरल. अब देखिए नेचुरल मतलब क्या होता है, जो चीज प्राकृतिक है, जिसके अंदर किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं की गई, नेचुरल है. मतलब कैसी है? नेचुरल है. ये देखो एल लगा है लास्ट में, तो एल किसके लास्ट में लगता है, है ना? एडजेक्टिव कैसा पहचान सकते हो, तो नेचुरल क्या हो गया भैया? नेचुरल हो गया आपका एडजेक्टिव. अब आप सभी समझ ही गए होंगे, अगर ये एडजेक्टिव है, राइट, तो इसका नाउन क्या होगा? प्रकृति, नेचर, है ना? तो नेचर, नेचुरल, और नेचुरल से आपको आप पता ही चल गया होगा कि क्या बनेगा एडवर्ब, नेचुरली. अब वर्ब बनानी है तो बी नेचुरल, मेक नेचुरल, एंड नेचुरलाइज एक वर्ड एग्जिस्ट करता है बट बहुत कम यूज होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग में सजेस्ट करूंगा आपको बी नेचुरल और मेक नेचुरल बनाया वो ज्यादा अच्छा है. तो इस तरीके से आपका बन जाएगा, तो नेचुरल, नेचर, नेचुरल, नेचुरली एंड बी नेचुरल, मेक नेचुरल. नेक्स्ट वर्ड है आपका गिल्ट. अब देखो गिल्ट, गिल्ट मतलब होता है अपराध. क्या होता है? अपराध, है ना? किसी प्रकार का किसी ने कोई क्राइम कर दिया, गिल्ट कर दी है, है ना? तो उसे कहते हैं. तो बताओ क्या है? अपराध है. और कैसा है? अपराधी है, है ना? तो गिल्ट आपका हो जाएगा GUILT, गिल्ट आपका हो जाएगा नाउन, और ये जो वर्ड है आपका गिल्टी, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, राइट? तो गिल्ट आपका हो गया नाउन, गिल्टी हो गया आपका एडजेक्टिव, और यहां पर आपको बनानी है क्या इससे वर्ब, तो ये बनेगा गिल्टली, कुछ इस तरीके से बनेगा. आपका जो वाय है वो हट जाएगा और वाय की जगह आपको लगाना है आई और फिर लास्ट में एलवाई, गिल्टली. और वर्ब बनानी है तो वही फंडा है, बी गिल्ट, सॉरी बी गिल्टी और मेक गिल्टी, कुछ इस तरीके से आपकी वर्ब भी बनेगी, राइट? चलिए हम आगे नेक्स्ट वर्ड को लेकर चलते हैं, सक्सेस. सक्सेस का मतलब होता है सफलता. क्या होता है? देखो हम में से बहुत सारे लोग तो है ना, डे टू डे रूटीन में क्या करते हैं, काफी कुछ गलत बोलते हैं. जनरली हम लोग बातचीत करने में कहते हैं यार उसको लाइफ में क्या करना है, वो तो उसकी लाइफ में बहुत सक्सेस है, जबकि सेंटेंस पूरा गलत है. वो उसकी लाइफ में सक्सेस नहीं है फ्रेंड्स, वो उसकी लाइफ में सक्सेसफुल है, राइट? तो ये जो वर्ड सक्सेस है ना आपका, ये क्या है? सफलता है. सक्सेस मतलब सफलता, तो सफलता क्या हो गया आपका? नाउन हो गया, राइट? और इस सक्सेस से बनता है सक्सेसफुल, जिसे हम लोग कहते हैं सफल. तो वो उसके जीवन में सक्सेसफुल है, सक्सेस नहीं है, राइट? बोलने में हम लोग सही तरीके से वर्ड यूज करें तो सक्सेस मतलब सफलता, सक्सेसफुल मतलब सफल. और आप समझ ही गए होंगे सक्सेसफुली, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक. आई हैव डन माई जॉब सक्सेसफुली, मैंने अपना जॉब सक्सेसफुली किया है. ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट? एंड ही विल गेट सक्सेस इन दिस फील्ड. और इसी तरीके से आपको अगर इसकी एडवर्ब बनानी है तो इसकी एडवर्ब बनेगी सक्सीड. यू कांट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड. यू कांट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते अंटिल यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे, राइट? सो सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली एंड सक्सीड, ये सक्सीड आपकी वर्ब होगी. हाँ, इससे आप इस तरीके से बना सकते हैं, बी सक्सेसफुल, मेक सक्सेसफुल. अप्लाई दिस फॉर्मूला, इट विल मेक यू सक्सेसफुल. ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये फॉर्मूला आपको सक्सेसफुल कर देगा, इट विल मेक यू सक्सेसफुल, राइट? चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूँ चीयरफुल वर्ड पे. अब देखो इसके लास्ट में एफ यू एल लगा है, तो आप समझ जाओ एफ यू एल लगा है मतलब क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा. चीयरफुल मतलब कि आनंददायक, तो आप समझ ही गए होंगे इससे एडवर्ब क्या बनेगी, चीयरफुली, राइट? तो चीयरफुल, चीयरफुली, आप इससे बनेगी आपका नाउन चीयर, मस्ती, ये एक प्रकार का आनंद. और इससे वर्ब भी फ्रेंड्स चीयर बनता है,
ठीक है, मस्ती करना, आनंद करना, एंजॉय करना, दैट इज अ चीयर। तो ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों एक जैसे हो गए इसके, थोड़ा समझना, इसके नाउन और वर्ब दोनों एक जैसे हो गए। इसके अलावा आप ऐसा बना सकते हो, बी चीयरफुल, मेक चीयरफुल, अगर वो बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लैक। ब्लैक यानी क्या होता है? काला। अब देखो कैसा है भैया पैन, तो बोले काला है। चेयर कैसी है, तो बोले काली है, ब्लैक है, मतलब कैसा, तो ब्लैक क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव में हमने लिख दिया ब्लैक। अब ये चेयर जब ब्लैक है, मतलब चेयर के पास क्या है, ब्लैकनेस है, तो आपकी ब्लैकनेस क्या हो जाएगी, ब्लैकनेस हो जाएगी आपकी, कालापन, ये हो जाएगा नाउन, ब्लैक हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और एडवर्ब अगर आपको इससे बनानी है तो आपको ब्लैकली, है ना, और वर्ब अगर बनानी है आपको तो वर्ब बनेगी इसकी ब्लैकन, ई एन लगाना भी है इसमें लास्ट में, याद रखना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में ई एन लगाकर हम लोग वर्ब बनाते हैं, जैसे देखो डीप, ब्लैक, वाइट, ये सारे एडजेक्टिव है, इनके लास्ट में आपको ई एन लगाना है, डीपन, ब्लैकन, वाइटन। डीपन मतलब गहरा करना, ब्लैकन मतलब काला करना, वाइटन मतलब सफेद करना, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ई एन लगाकर हम लोग एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं, है ना। हो फ्रेंड्स, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हुई, ब्लैकनेस कालापन, ब्लैक काला, ब्लैकली काले रूप से, और ब्लैकन काला करना, काला बनाना, बी ब्लैकन, मेक ब्लैकन भी कर सकते हो आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्फ्यूज्ड। अब देखो कन्फ्यूज्ड में लास्ट में क्या है, ईडी। मैंने आपको क्या बताया था, ईडी किसके साथ लगता है, एडजेक्टिव के साथ। तो कोई बंदा कैसा है, कन्फ्यूज्ड है, राइट, तो ये लिख दिया कन्फ्यूज्ड मैंने आपका एडजेक्टिव में। अब इससे नाउन बनाना है, तो आप खुद समझ जाओ नाउन में आप क्या लगाते हो, कंफ्यूजन, तो आपका कंफ्यूज से बनेगा कंफ्यूजन, कुछ इस तरीके से कंफ्यूजन, है ना। अब इससे आपको बनाना है कंफ्यूज्ड से वर्ब बनानी, एडवर्ब बनानी है, तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है आपको, कंफ्यूजली, है ना, और लास्ट में आपको ये दे दिया जाएगा वर्ब के तौर पर, तो वर्ब के तौर पर तो कंफ्यूज ही हम यूज करते हैं, डोंट कंफ्यूज हिम, उसे कंफ्यूज मत करो, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए, हमने एक वर्ड हमको पता था हमारे पास, और उस एक वर्ड की हेल्प से हमने तीन से चार वर्ड नए बनाए। देखो जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे ना कि वो वर्ड है क्या, राइट, आप कंफ्यूज ही रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को समझे कि नाउन की पहचान हम लोग क्या से करते हैं और एडजेक्टिव की पहचान हम लोग कैसे से करते हैं। तो आप लोग क्या करें, करीब 10 वर्ड जो जो आपको याद आ रहा है, जैसे आपने कहा लंबा, चौड़ा, या जो भी वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी, जैसे आपने कहा सफाई, अब जैसे मान लो सफाई जो है एक वर्ड आया, सैनिटेशन, या फिर क्लीननेस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये नाउन की एडजेक्टिव की एडवर्ब की वर्ब है, राइट, और तुरंत उस पर फिर आपको रिएक्ट करना है कि अगर ये नाउन है तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका नाउन क्या होगा, राइट। तो आप लोग प्लीज इस चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अपने आपका वोकैबुलरी जो है बढ़ता जाएगा। अब मैं छोटी सी आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसमें आपको ये फिल करना है वर्ड्स को, लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स करेक्ट सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स देखिए, छोटी सी एक्सरसाइज है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए मैंने आपको, समटाइम्स हिज ब्लैंक पुट्स हिम इनटू द ट्रबल, ओके, कभी कभी उसकी जो ब्लैंक्स हैं वो हमें ट्रबल में डाल देती है, उसको परेशानी में डाल देती है ना। अब मुझे बताओ उसकी ऑनेस्टी डाल देती है, उसके ऑनेस्ट डाल देता है, ऑनेस्टली डाल देता है, ऑब्वियसली आप यहाँ पर देखिए लिखा है हिज, हिज जो है वो आपका पजेसिव है, और आपको याद रखना है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो नाउन इसमें है आपका ऑनेस्टी, तो समटाइम्स हिज ऑनेस्टी पुट्स हिम इनटू ट्रबल, राइट। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में चाहता हूं पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद पहले आप खुद फिल कर लीजिए, और जब मैं आंसर्स बताऊंगा तो आप खुद उसको मिलाकर देखिए आपके कितने सही जा रहे हैं। सेकंड है आपका द ब्लैंक ऑफ सोहन टुवर्ड्स हिज टीचर्स इज नॉट गुड, सो द नेचर एंड नेचुरल एंड नेचुरली जो भी है ना, सो द नेचर ऑफ सोहन के द नेचुरल ऑफ सोहन, ऑब्वियसली सुनने में ही आपको लग रहा है क्या आएगा आपका, द नेचर ऑफ सोहन टुवर्ड्स हिज टीचर्स इज नॉट गुड, जो नेचर है सोहन का अपने टीचर्स के प्रति वो ठीक नहीं है। द पीपल ऑफ चाइना, राइट, चाइना के जो लोग हैं आर नॉट सो सक्सेसफुली एज दोज ऑफ अमेरिका, मतलब जितने अमेरिका के लोग सक्सेसफुल है उतने चाइना के लोग सक्सेसफुल नहीं है, आंसर ही बोल दिया मैंने यार भाई। आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ सो एज लिखा है, इसके बीच में हमेशा याद रखना एडजेक्टिव आता है, ये आपकी है सबसे पहली डिग्री जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, तो द पीपल ऑफ चाइना आर नॉट सो सक्सेसफुल, राइट, तो कुछ इस तरीके से आपका सक्सेसफुल आएगा। इसके बाद व्हाई डू यू ऑलवेज लुक एंग्री, एंग्रीली और एंगर, तो लुक की बात हो रही है मतलब देखना,
और आप सभी को पता होना चाहिए कि देखना वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ एडजेक्टिव को कैरी करती है और लोग उसी में से एक है। तो यहाँ पर एंग्री आएगा, एंग्रीली नहीं आएगा। जनरली स्टूडेंट क्या करता है, वो सोचता है वर्ब है तो वर्ब के बाद एंग्रीली लगा दो, राइट। तो एंग्री आएगा। व्हाई डू यू ऑलवेज लुक एंग्री, तुम हमेशा गुस्से में क्यों दिखते हो ना। नेक्स्ट है आपका, रोहन हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस क्लियर क्लियरिटी एंड क्लियरली। अब रोहन ने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियरली आंसर किया है भैया, तो आंसर्ड को क्वालिफाई करने के लिए यहां पर आएगा आपका क्लियरली एडवर्ब, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है, फादर स्कॉल्डेड हिम वेरी, उसके पापा ने उसको डांटा बहुत बुरे तरीके से, मतलब बैडली डांटा, बैडली डांटा, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट है आपका, एवरीवन एवरीबडी लाइक्स हिज ब्लैंक गुड गुडनेस एंड वेल, सभी जो है पसंद करते हैं उसकी, क्या पसंद करते हैं उसकी गुडनेस को, उसकी अच्छाई को, अच्छाई सभी को पसंद आती है। नेक्स्ट है आपका, यू शुड स्पीक वेल, क्यों भैया, क्योंकि स्पीक आपका क्या है, स्पीक आपका है वर्ब, वर्ब की विशेषता बताने के लिए होता है एडवर्ब, और गुड की जो एडवर्ब होती भी है वेल होती है ना। हो फ्रेंड्स, आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। अगर ये वीडियो ने आपके नॉलेज को 1% भी बढ़ाया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, राइट। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे सजेस्ट करिए, मैं जो भी आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करेंगे उस पर भी बेस्ट वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लर्न करें और ज्यादा से ज्यादा सीखें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।